ना नहीं चाहेगा, रसोल का टीम को डायरेक्ट क्लाइमिंग करना पड़ेगा, मुश्किल हो सकता है। मॉडल थोड़ा सामने आकर गाड़ी लगाया है, एनटीटी वीडियो को वहां पर सूर्या ने नेट से कंफर्म एंड स्मोकी ने यहां पर नॉकआउट कर चुका है मॉडल को, तो मॉडल का भी रिवाइव दिया जाएगा। गाड़ी अगर ब्लश आउट होता है शायद कंफर्म हो जाए, पीछे चला गया क्रॉन्टेन को वहां पर पांच सिंह ने क्लियर, तो वे डाउन टू टॉप एट स्क्वाड। क्रॉन्टेन एंड वीडियो अपने टीम से अकेले अकेले बंदे थे, दो स्क्वाड में डाउन हो चुका है। जोकर ने वहां पर रेड को नॉक, तो गाइस अभी नॉक के बारे शुरू हो चुका है। रेड का किल जोकर ने पूरा कंफर्म भी कर चुका, तो सही है। इंसिडियस के पास यहां पर छह किल हो चुके हैं एंड यहां पर जोकर को पांच सिंह ने नॉकआउट कर दिया। सूर्या यहां पर क्लोजिंग करते हुए संगवन अपने टीममेट जोकर को रिवाइव दे रहे, स्मोकी यहां पर बैकअप देने के लिए आ चुके हैं, गॉड भी यहां पर सूर्या को बैकअप देने के लिए आ चुका है। तो यहां पर इंसिडियस वर्सेस जीरो डिग्री फुल ऑन क्लोजर फाइट, पांच सिंह यहां पर सूर्या ने संगवन को नॉक एंड यहां पर विश्वा भी नॉकआउट बाय सूर्या MK14 ऑटो स्प्रे। इंसिडियस का पूरा स्क्वाड यहां पर क्लियर आउट होते हुए सिर्फ 8 पोजीशन पे एंड जीरो डिग्री ने यहां पर बहुत ही प्यारा से स्क्वाड वाइप कर दिया। सक भाई डिग्री के यहाँ पे मुझे बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वहाँ सोल मॉडल ने ओआरबी का आईएस को नॉक किया, ट्रांस ने सोल रिजल्ट उसको नॉक किया, ओवर के कैंडिडेट सॉल्टी के साधा को। यहाँ पे आईएनडी के तीन बंदे अलाइव है, स्लेयर मर चुका है, क्रेटोस नॉक आउट है, 2v3v4 का सिचुएशन आप कह सकते हो यहाँ पे हो रहा है। ट्रांस यहाँ पे अपने टीम के लिए होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे दलजीत उसको रिवाइव देता है, पर वहाँ पे हम देख रहे हैं सोल मॉडल ने अपने किल को कंफर्म किया एंड जेड ने वहाँ पे ओआरबी के मेडडॉग को कंफर्म करके और किल उठाए। यहाँ पे फ्रॉस्ट नॉक आउट है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जीरो डिग्री क्या बेहतरीन परफॉर्म करी है। वहाँ पे सोल वाइपर ने सॉल्टी के को नॉक किया, टीडीपी के शगार, टीडीपी को आप देख रहे हो नोवर ऐप उतर के उन लोग इतने ऊपर जोन में लास्ट टॉप 5 टीम्स पे आ चुके हैं। सबसे बेहतरीन बात, टॉप 5 टीम ऑरेंज रॉक अलाइव है, सोल अलाइव है, आईएनडी अलाइव है, ये मुझे पिछले पीएमसीओ का याद दिला रहे स्पार्की भाई। सही बोला आपने, हम देख सकते हैं ऑरेंज रॉक सोल एंड ट्रस्टी पोजीशन से चारों के चारों बंदे बचे हैं, आईएनडी एंड जीरो डिग्री ने एक-एक बंदे खोया है। लेकिन एक चीज, दोनों स्क्वाड चारों स्क्वाड से अच्छे खासे बंदे बचे हैं। संधू ने वहां पर पान सिंह को नॉकआउट कर चुका है, तो ऑरेंज रॉक एंड जीरो डिग्री सोल टीडीपी सबके पास जोन है, सिर्फ आईएनडी को जोन के अंदर जाना पड़ेगा एंड दैट गोना बी हार्ड। यहां पर ट्रांस ने शायद स्पॉट किया एंड ट्रांस ने यहां पर नॉकआउट कर चुका है डोकू डोकू को एंड क्रेटोस को सेकंड नॉक एंड टैक्स दियो, पूरा क्रेटोस कंफर्म कर रहा है क्योंकि उसको पता है एक किल पॉइंट बहुत मैटर करता है। ट्रांस को भी यहां पर एक्सिस्ट से पीछे से नॉक, ट्रांस का किल यहां पर सेक्लो ने चोरी कर लिया है। तो यहां पर टीडीपी 5 किल निकाल चुका है, कैरी ने वहां पर दलजीत को क्लियर आउट करते हुए। तो यार हम लोग डाउन टू टॉप 4 सोल वाइपर को यहां पर नॉक आउट कर चुके हैं एंड टैक्सियो ने ओवर कैरी को नॉक। तो गाइस क्या किल फिट चल रहा है, क्या किल फिट चल रहा है। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जो जोन बना है सबके सबसे बहुत दूर जाना पड़ेगा सर भाई, बहुत ही सबको जोन के अंदर जाना पड़ेगा, कोई भी जोन के अंदर नहीं है इस पोजीशन में। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या, चारों टीम हमारे पास 3v3v3v का सिचुएशन है, ऑल्दो सोल ऑरेंज रॉक के बंदे नॉक्ड है, जेड की टीम यहाँ पे रश करना चाह रही है जोन के अंदर, सोल मुझे काफी क्रैम्प लग रही है, एक नेट पे पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो सकता है, उनको यहाँ पे केयरफुल रखा। पर जीरो डिग्री यहाँ पे जेड गॉड को मैं कब से देख, जेड के दूसरे प्लेयर एक टू में शायद सूर्या था, वो क्या स्पॉट कर रहा था, क्या नॉक कर रहा था, आई थिंक गॉड है एंड यहाँ पे जेड के गॉड यहाँ पे नॉक कर रहे हैं पर अपने टीम के लिए किल नहीं निकल पा रहे। पर इनका जो स्पॉटिंग है क्या बेहतरीन, 4x का स्प्रे दिखा रहे हैं लोग यहाँ पे। सोल का टीम ने फिर से पान सिंह ने सोल वाइपर को नॉक किया, ओआर के संधू ने जेड के गॉड को नॉक किया, यहाँ पे जेड थर्ड पार्टी होते हुए सोल और ओआर के बीच में इनका सैंडविच सिचुएशन हो गया इस बार की भाई। यस माफी, यहाँ पर पान सिंह के भी नॉकआउट कर चुके थे, सूर्या इज द लास्ट मैन सर्वाइवर, अभी सोल पीछे पुश करना चाह रहे थे सोल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज लॉक डायरेक्ट शायद सामने वाले पेट पे स्लैमिंग करेगा, यहाँ पर होल्ड करेगा, चारों का चारों बंदे नॉक इस निकाल चुका है। जो परफॉर्मेंस वो लोग छोड़ के गए थे पहले दिन इन लोगों का मैचेस पे, वो फिर से कंटिन्यू कर रहे थे भाई। पर यहाँ पे ओआर की टीम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए टीडीपी के लिए ओआर अपने लिए 11 किल निकाल चुकी है। लास्ट के दो टीम 4v4 ऑरेंज रॉक वर्सेस सोल, इससे बेहतरीन हमें स्क्रीन में देखने को कुछ नहीं मिल सकता था। पीएमसीओ स्प्रिंग स्प्लिट का यहाँ पे एक तो हमें वापस एक रिप्ले देखने को मिल रहा है, 4v4 ऑरेंज रॉक वर्सेस सोल। यहाँ पे क्या ऑरेंज रॉक अपना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में कंटिन्यू कर पाएगी या सोल पहले ही गेम में डे टू के एक अच्छा प्यारा कमबैक देगी। सोल यहाँ पे ऑलरेडी 6 किल्स ले चुके हैं एंड यहाँ पे अगर वो चार किल और सिक्योर करते हैं तो 10 किल के साथ चिकन डिनर। ऑरेंज रॉक यहाँ पे 4 किल ले चुके हैं एंड 11 किल ले चुके हैं और 4 लेते हैं तो 15 किल के साथ चिकन डिनर। दोनों ही टीम्स के लिए स्टेक्स काफी हाई है, ऑरेंज रॉक सेकंड पे बैठा है अभी पॉइंट्स टेबल पे। यहाँ पे एक प्यारा नेड आते हुए सोल फ्रॉस्ट राइट की तरफ, सारे प्लेयर्स प्रोन हो चुके हैं, यहाँ पे रिजल्ट शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं मावी और एक्जिस्टेंस पे, पर शॉट कनेक्ट नहीं हो पाए इस बार।
ऑरेंज रॉक का एक प्लस पोजीशन है कि वो लोग के सामने छोटा रीच का कवर भी है, अच्छे अच्छे खासे पेज का भी कवर है, लेकिन सोल को यहाँ पर लेट के खेलना पड़ेगा तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मॉन्टेज उधर बैरल दो फर्स्ट एड भी अभी इस पोजीशन में मफी जंप करके देखने की कोशिश कर रहा है एंड उसके पास बहुत ही अच्छा कवर है। यहाँ पर मॉन्टेज टैप करते हुए एक कनेक्ट हुआ है एंड नीचे से भी अगर आप देखो तो सामने आई थिंक गाड़ी का नीचे का टायर ब्लास्ट आउट कर दिया गया, तो फ्रोश ने बहुत ही प्यारा नॉक। तो यार वी आर डाउन टू 3v2 सिचुएशन, लेकिन आई थिंक एक्सिस्टेंट मफी को एक बार रिवाइव दे देगा थक भाई। यहाँ पे सोल या ओआर कोई भी एक ऐसी स्टेप नहीं ले सकते, ज्यादा अग्रेशन दिखाएंगे तो उनको पता है सारे प्लेयर्स पोजीशन पे है। वहां पे मवी मुझे जोन से फिर से नॉक होता हुआ दिखा, ये इनके पास एक अपॉर्चुनिटी था। फ्रॉस्ट यहाँ पे अग्रेशन लेते हुए एनएक्सी को नॉक किया, बहुत ही प्यारा प्रदर्शन फ्रॉस्ट किया। यहाँ पे संधू को स्पॉट करते हुए सोल का पहला चिकन डिनर पीएम सीओ क्लब ओपन स्प्लिट पे एंड यहाँ